हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फिर आप सब बढ़िया, मैं अब आपके सामने ना ये पीकॉक बनाना बता रही हूँ। और बिल्कुल ही सिंपल, जिसे कि कोई भी बच्चा भी बना ले, ठीक है। और पहले मैंने इसकी आउटलाइन 8 नंबर के पुराने ब्रश से की है, सॉरी नए ब्रश से। और फिलिंग और जो है पुराने ब्रश से करूंगी। ये ऐसे ना, मतलब मोर मोरनी जो भी है, ये एक का जो फेस है इस साइड है और एक का इस साइड है, ठीक है। अब मैं न्यून शेड ऑरेंज कलर है ना, वो थोड़ा सा लेकर और यहां पर यहाँ ऑरेंज शेड कर देंगे। ये जॉर्जेट का सूट है, प्योर जॉर्जेट का। और ये भी मेरे पास जो है अमेरिका से आया ऑर्डर, जो ब्लैक सूट का आया था ना, वो उनकी बेटी का था, ये उनका खुद का है। इस तरह से ना मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर ले रही हूँ। व्हाइट कलर जो है यहाँ पे करेंगे नीचे। अब व्हाइट कलर करने के बाद थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे, ओके। वैसे तो इस डिब्बे में खत्म है, एक बार एक मोर तो बन ही जाएगा, इसे बना लेते हैं। ये ब्लू कलर है, मतलब एक होता है ना बहुत ज्यादा डार्क, डार्क नहीं है, मीडियम ब्लू कलर। मैं ना मीडियम ब्लू कलर यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो डार्क होता है ना, उसको हम लाइट नहीं कर सकते, उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। और जो लाइट होता है, जो मैं लाइट कलर लेती हूँ, उसको किसी मर्जी शेड में हम बना सकते हैं। जैसे डार्क करना हो तो उसको डार्क भी कर सकते हैं, और लाइट करना हो और लाइट भी कर सकते हैं। याद रहे, जब ये येलो कलर सूख जाए ना, तब ये ब्लू कलर करना, क्योंकि थोड़ा सा भी अब इसमें येलो में टच होते ही ना, येलो और ब्लू जो है ग्रीन बन जाता है, तो ग्रीन की शेड आने लग जाएगी। अब मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ, तो मुझे वैसे थोड़ा बहुत ऐसे शेडिंग आ जाए तो अच्छा है, अच्छा ही है।
थ्री थ्री कलर की शेड आ जाएगी, पर ज़्यादा मतलब ब्रश को ऊपर मत लेके जाओ, येलो पे थोड़ा थोड़ा तो ले जाओ आप। अब जैसे मेरे ये येलो कलर थोड़ा सा उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि दोनों मोर इक्वल लगे, क्योंकि मैं ड्रेस तो करती नहीं हूँ, आपके सामने सीधा ही बनाती हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाता है। अब येलो कलर लिया और उसको जितना हो सकता है पतला करके यहाँ पे कर दिए येलो कलर। बिल्कुल पतला करके करना है ये लोग पर। अब ये टोटल जो है कमीज के घेरे में ना चार मोर बनेंगे, दो ऊपर की साइड बनेंगे। ओके, जब ये मोर बन जाएगा फिर इस तरह से इसके सारे जो है फूल पत्तियां जो है हम बना देंगे। ओके, लगभग उसके बराबर बन चुका है ना। आप सबने दीपावली की सफाइयां शुरू कर दी होंगी है ना, मैं सोच भी रही हूँ करूँ ना करूँ सफाई, लेकिन करनी भी चाहिए है ना। लेकिन सोच रही हूँ कि मैं ऑपरेशन है तो वो। अब ये देखो ये थोड़ा सा ना अभी गीला है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि अगर हमने ये किया तो ये फैल रहा है ना, इसको थोड़ा सूखने देंगे। ओके, उतनी देर हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, जैसे ये थोड़ा सूख जाएगा येलो फिर हम ये आपको इसके वो बनाने बताएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट मोर है उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा फिल बाद में कर लेंगे, क्योंकि ना फिर उससे क्या है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर वो मोर बनाना है, ताकि वहां वहां पर फिर हमें फूल पत्तियां नहीं बनानी। देखो एक मोर यहाँ बनेगा, इसकी शेप वेप तो बाद में भी चेंज हो जाएगी, एक यहाँ पर मोर बनेगा। हम इतने में इंतजार करते हैं सूख जाए, मैं वीडियो ये थोड़ा सा ड्रॉ करके और फैन ऑन कर देती हूँ तो जल्दी सूख जाएगा। ओके, एक यहाँ बनेगा और एक जो है उस साइड ऊपर बनेगा मोर। एक तो ये मोर हो गया, ठीक है। अब ब्लू कलर से बनाएंगे, ये खाली ना मैं आइडिया लेके छोड़ रही हूं। ओके, भी यहाँ पर मोर बनाना है वो इसलिए ताकि जो पेड़ पौधे अब हम बनाएंगे ना उस वजह से,
ऐसे ही एक मोर उस साइड बनाना है, वो भी ड्रॉ कर देते हैं। एक यहां बनेगा, ये क्या है, अगर हमें ये आइडिया हो जाएगा ना कि भी यहाँ पर मोर बनाना है, ये चार मोर है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है, ये चार मोर बनेंगे और बीच में ये फूल पत्तियां। अब हम इसमें फूल पत्तियां बना सकते हैं ना, हमें आइडिया हो गया कि यहाँ यहाँ मोर बनेंगे। तो अब जब तक ये अभी भी गीला है, मुझे जो है फैन चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आप नहीं सीख पाओगे आज। अब मैं ब्राउन कलर बना के और थोड़ा बहुत आपको जितने में मैंने फैन ऑन किया है सूख जाएगा ना, देखो जब आपको नींद आए ना काम करते करते, काम अच्छा करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, जब आपको नींद आए ना तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे ना अभी ये मोर बनाया, मुझे आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया फिलहाल तो, ठीक है, ये कल का ही मोर बनाया हुआ है और आज मेरा मन नहीं करा तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं बिना मन के भी काम नहीं करती और मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाई, तो उस वजह से मैं अब तो पहले को सो गई। अब इससे मेरा माइंड इतना फ्रेश हो गया है। और एक तो पता है क्या, हम सो के उठते हैं ना, काम जो है वो जल्दी हो जाता है और मन भी करता है काम करने का। अब ये देखो, आपका जहां पे भी मन करे इस तरह से हम ये जो है ना बनाते जाएंगे। एक मोर है जो उसको इधर बिठा देंगे और छोटी छोटी जो है झाड़ियां इस साइड भी बना देंगे, और जो नियॉन शेड है ना एक बार हम इसको स्टॉप कर देते हैं। और फूल बनाने बता देते हैं पिंक कलर से, न्यून शेड पिंक कलर लेके और उसको इस तरह से ना, ये देखो जब तक ये येलो कलर सूखता है मैं आपको ये ऐसे करके, ये मैं न्यू ब्रश से बना रही हूँ, ओके, पहले ऐसे किया मैंने, इसमें दो न्यून शेड कलर यूज किए हैं, एक तो ये फूलों के लिए पिंक कलर और एक वो येलो कलर जब किया था ना मोर में उसमें जो ऑरेंज कलर किया था वो, बस ये ऐसे ऐसे फूल बनाने हैं, कहीं कहीं पत्तियां बनानी हैं, ऐसे इसको डेकोरेट कर देना है, ठीक है। अब लगभग हल्का सा रह गया, फिर मैं आपको बताती हूँ।
फिर मैं ये बाद में वीडियो ऑफ होगी तब मैं ये सारा कंप्लीट कर लूंगी। ओके, ऐसा ही प्योर जुनून का दुपट्टा बनाना है, सेम डिजाइन। दुपट्टे के बीच बीच में तो बनानी है मोर पंख और साइडों पे ही मोर बनाने हैं। अब जो है हम देखते हैं थोड़ा सा सूख गया के। अब और मैंने फैन इसलिए नहीं चलाया था, वैसे तो मैं एक नंबर पे चलाती हूँ फैन, और मैंने इसलिए नहीं चलाया था। अब थोड़ा सा ठंड सी हो गई है, शुक्र है परमात्मा का, जो ठंड वर्ड मैंने यूज किया, अदरवाइज तो करणपुर में बहुत ज्यादा। अब देखो फैन नहीं रहा ना, कई बार ऐसे होता है अपने बातों में जो है ना ध्यान नहीं दे पाते, और ये देखो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। लगभग जैसे जितने ऐसे बनाए ना उतने के ही यहाँ पे पंख बना लेंगे। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर है ना, मैंने पैरेट ग्रीन कलर जो लिया है, जो हमने ये येलो बनाए हैं, इसके साइड साइड में सारी इस तरह से लाइनें लगानी है कि येलो कलर भी दिखना चाहिए और ग्रीन दोनों। येलो नीचे करने का पर्पज ही यही था कि येलो, ये सारा जो ग्रीन से फिल कर रही हूँ ना, ग्रीन से फिल कर रही हूँ, उसमें क्या है जो मैं ये ग्रीन से फिल कर रही हूं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा नीचे का येलो कलर भी दिखना चाहिए। ओके, उसमें उसमें ना येलो कलर दिखना चाहिए। ओके, ये सारा हो गया। अब जो है जो भी ये येलो कलर है ना, इसकी साइडों में ऑरेंज कलर करेंगे। ओके, ये जो मैं ऑरेंज कलर ले रही और ना ऑरेंज कलर जो है ना, बिल्कुल बारीक ब्रश से करो तो ज्यादा बढ़िया है। मैं बिल्कुल बारीक एक नंबर का ब्रश ले रही हूँ, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग ब्रश लेते हैं। ये जरूरी नहीं है इसके लिए ये ब्रश चाहिए या ये, आप स्पेस दे दिया करो। स्पेस अगर थोड़ा है तो छोटा ब्रश ले लो, ज्यादा है तो उससे बड़ा ब्रश ले लो। अब बस इसकी आउटलाइन करनी है हमने, जो ये सारा येलो वाला है ना, इसकी आउटलाइन करेंगे ऐसे। ओके, आउटलाइन करेंगे, उतनी का आउटलाइन करेंगे जितनी का आपसे मिक्सिंग हो जाए अच्छी तरह, और ग्रीन से बचाकर, क्योंकि ग्रीन कलर बीच में आ जाएगा ना तो ये फिर शेड चेंज हो जाएगी। चाहे तो आप ग्रीन कलर बाद में भी कर सकते हो, पहले आप जो अंदर का ये मोर पंख है वो भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मैं इसको सारा जो है मिक्स कर रही हूं, जो जो रह गया सब में ऑरेंज कलर कर देंगे।
अब जो है क्या कहते हैं फिरोजी कलर वो करेंगे। बिल्कुल आसान है मोर बनाना। जो मैंने ब्लू कलर पहले यूज किया था ना वही ब्लू कलर है और उसके अंदर बस ये देखो अब जब ये फिरोजी कलर सूख जाएगा इसके अंदर ना ब्लू कलर का हार्ट बना देंगे और फिर ये जो साड़ी है इसकी ब्लैक कलर से आउटलाइन करनी है। सारे मोर की ना ब्लैक कलर से आउटलाइन करनी है। अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर होना चाहिए। ब्रश में मैंने साफ कर लिया क्योंकि जब मैंने एकदम मिक्स किया ना ज्यादा कलर आ गया था। अब जो हमने ग्रीन कलर किया था ना और ये जो मोर पंख बनाया है हमने इसकी दोनों साइड इस तरह से ब्लैक कलर कर देंगे। ये जो मुझे इन्होंने डिजाइन सेंड किया था ना उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये बहुत ही ज्यादा ना धुंधला डिजाइन और ये क्लियरिटी से नहीं दिख रहा था मुझे। ये मोर पंख ऐसे है ऐसे है तो फिर मैंने थोड़ा अपने आइडिया से जैसे मुझे लगा और मैंने फिर उस हिसाब से देखो जॉर्जेट का कपड़ा है पतला कपड़ा है और फैन से ये कपड़ा बहुत ज्यादा हल्का है ना प्योर का है ना वो हल्का उड़ता है तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो उसके लिए जहां पे आपने फिंगर रख लिया ना हाथ को हिलने नहीं देना। ये देखो बिल्कुल आराम से बिल्कुल हाथ को कांपने नहीं देना। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे हाथ बैलेंस नहीं बन पाया और वहां पर फिर ब्लू कलर करके सही कर देंगे। ठीक है आउटलाइन मैं फैन चलते हुए प्योर के कपड़े पे नहीं करती क्योंकि फिर ये इक्वल नहीं आती ना सफाई से नहीं आती तो फिर बढ़िया नहीं लगता सूट। पर मुझे अब लगा कि क्या फैन बंद करूं मैं फैन बंद ही कर देती हूँ क्योंकि फिर ये जो है ना सफाई से बनेगा सूट। अब बस ये कपड़ा हिलता बहुत है ना फैन से क्योंकि इसका वेट तो होता नहीं है। बस ऐसे लाइनें लगा दी पीले कलर से चोंच बना देंगे यहां पर।
आप जो है ना ये पीला कलर दोबारा भी कर सकते हो। जैसे अब ये ग्रीन सूख गया है ना, तो मैं देख रही हूँ कि पीला कलर इसके अंदर आया ही नहीं है। जैसा इसके अंदर पीला दिख रहा है वो आप ग्रीन कलर सूखने के बाद भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको बस एक आधा मोरपंख ये पूरा करके बता देती हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी नहीं तो। जैसे अब ये बन गया ना, अब इसके अंदर बस क्या करना है कि एक ब्लू कलर से हार्ट बना देना है ऐसे करके। बस ये सब में ऐसे हार्ट बनाते जाने हैं। तो पहले मैं ये वीडियो ऑफ करके सबसे पहले तो मैं जो है ना ये सब में येलो कलर दोबारा से करूंगी, क्योंकि इसमें ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। और जो ये हमने बनाए हैं इसके अंदर ऐसे येलो कलर की डॉट्स लगानी है, और फिर छोटे छोटे इसी एक नंबर के ब्रश से ही हरे हरे रंग के ग्रीन कलर के यहाँ पे फूल पत्तियां, जैसे ऐसे ये पत्तियां हैं ना ऐसी पत्तियां बनानी है। ये देखो एक यहां पर मोर बनेगा और एक यहां पर, चार मोर हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।